ये है मलक महकम खोखर। इनको परिंदे पालने का शौक है। ये अपने परिंदों की सेहत बरकरार रखने के लिए जितने मर्जी जतन कर लें, बीमारी का सीजन बहुत कम परिंदों को बख्शता है। बीमारी लाखों रुपए मालियत के कबूतरों पर ऐसा हमला करती है कि लंबी उड़ान भरने वाले पिंजरों तक महदूद हो जाते हैं। कबूतरों में बेशुमार किस्म की बीमारियाँ पाई जाती हैं, पेट के कीड़े, आँखों की बीमारियाँ, बुखार। सबसे जो खतरनाक वो बीमारी है वो रानीखेत है, और रानीखेत में भी काफी किस्म की बीमारियां, चुप की बीमारी, कोट रुक जाना। तो इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि इनको टाइम पे वैक्सीन करते हैं, मल्टी विटामिन वगैरह देते रहते हैं। कबूतरों की फिक्र मौसम बदलते ही इनके पालने वालों को सताने लगती हैं, और वो पेश कीमती अदवायात और वैक्सीन का सहारा लेते हैं। वैक्सीनेशन काफी किस्म की है, ठीक है। अब जो सबसे लेटेस्ट चल रही है वो चिवीटा है, वो एक साल के लिए होती है, ठीक, चिवीटा 200। उसके बाद गैलीमून, एंडी वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, वो होती हैं, साल में दो दफा यूज करते हैं, छह महीने के बाद। उसके बाद एक लोकल वैक्सीन आती है पाकिस्तान की, जो फ्री होती है वैसे तो, लेकिन ये पोल्ट्री वगैरह से हमें 30-40 की बोतल मिलती है छोटी, उसमें एक वो टिक्की सी होती है, तो वो वैक्सीन सबसे सस्ती है और वो हर तीन महीने के बाद करनी पड़ती है। गर्मियों के गैर मुआफिक मौसम में भी इनको उड़ाना मुकाबलेबाजों की मजबूरी है, लेकिन बदले में वो इनकी खुराक में ठंडी तासीर रखने वाली अशिया का इस्तेमाल मामूल बना लेते हैं, ताकि इनकी कुव्वत बर्दाश्त बढ़ाई जा सके।